नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन में खबरों का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 5 साल पूरे हो गए, तब तक चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी होगी, जिसके मद्देनजर प्रदेश सरकार ने 4.5 साल की उपलब्धियों को आंकड़े जुटाना शुरू कर दिया है। अब तक दी गई नौकरियों से लेकर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी और विकास कार्यों का ब्यौरा सभी विभागों से मांगा गया। बताया जा रहा कि उपलब्धियों की यही किताब लेकर भाजपा चुनाव मैदान पर उतरेगी। योगी सरकार के कार्यकाल के 4.5 साल इसी महीने पूरे हो रहे, अब यही मौका है कि आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार अपने उपलब्धियां गिनाने के लिए कोई आयोजन कर पाए, और कई आयोजन कर भी रही है। इधर विपक्षी दल बेरोजगारी को खासतौर पर मुद्दा बनाना चाहते हैं, विकास को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष के हमलों का तथ्य और तर्कों से जवाब देने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में आगामी साल में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी महिला मोर्चा की आज से 2 दिवसीय बैठक शुरुआत हो रही है। प्रदेश पदाधिकारी और कार्यसमिति बैठक का समापन उत्तर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस बैठक के जरिए बीजेपी महिला कार्यकर्ता और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ बूथ और मंडल इकाइयों से लेकर जिलों तक संगठन को मजबूती देगी। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करेगी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक का समापन करेंगे और बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी, जहां पर आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक का शुभारंभ करेंगे और इस बैठक का समापन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो 2 दिवसीय ये कार्य समिति की बैठक हो रही है और महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और साथ में विधानसभा चुनाव के बारे में बताया जाएगा। अनूप कुमार सिंह हमारे संवाददाता इसी खबर पर लखनऊ से जुड़े हुए। अनूप, आज बीजेपी की कार्य समिति की बैठक चल रही है, महिलाओं को 2 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्या कुछ तैयारी की जा रही है इस प्रशिक्षण शिविर के बारे में? देखिए अभिषेक, उत्तर प्रदेश की तमाम जो महिलाएं हैं, यहाँ पर महिला अधिकारी हैं, वो यहाँ पर धीरे धीरे उनका आना जाना शुरू हो चुका है। लगातार जो पहला प्रशिक्षण को लेकर जिस तरीके से बातें, क्योंकि आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव है, उसकी बीजेपी लगातार तैयारी कर रही है। ऐसे में आधी आबादी को किस तरीके से उनको ट्रेन किया जाए, किस तरीके से प्रशिक्षित किया जाए, तो ताकि घर घर तक उनको महिलाओं की बात पहुंचे। जो भाजपा जो अपनी जो जो सरकार की योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंचाना है, तो यानी महिलाओं को आधी आबादी को लेकर लगातार जिस तरीके से संघर्ष चल रहा। अब कुछ महिलाओं से भी बात कराएंगे आपकी, क्योंकि महिलाओं की बात इससे जरूरी है, क्योंकि किस तरीके से यहाँ पर आप कहाँ से मैडम आई है? आज प्रशिक्षण यहाँ पर हो रहा है, बैठक यहाँ पर क्या है, इस बैठक का मतलब और किस तरीके से आप लोग? हमारे यहाँ नया संगठन तैयार हुआ, तो उसकी सभी बहने नहीं है, कुछ पुरानी है, तो कार्य समिति है। सभी बहनों को हमारे यहाँ योगी जी हमारी क्षेत्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष संबोधित करेगी कि किस तरह अनुशासन से हमारा संगठन चलता और महिला 50% की आबादी है, किस तरह हमारी राजनीति में भागीदारी। 2022 का जो चुनाव नजदीक है, ऐसे में लगातार बैठक का दौर जारी है, आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या किस तरीके से योजनाएं घर घर तक पहुंचाएं, क्योंकि आधी आबादी का सवाल है ऐसे में, तो बीजेपी का क्या किस तरीके से हो? हमारी वैसे भी आपने देखा तो परेशान हुआ है, हमारी आधी आबादी से ही काम किया हमारी सरकार ने, योगी जी ने और मोदी जी ने आधी आबादी के लिए काम किया है, तो उसमें कोई कहने की बात नहीं, घर घर तक हमारी योजनाओं प्रसारित हो चुकी है और लागू भी है और सबको योजनाओं का लाभ मिला है, केवल महिलाओं के लिए 50% की आवाज के लिए पहली बार किसी सरकार ने सोचा तो भाजपा सरकार ने सोचा। एक सवाल आपसे, कभी कभी सरकार महिला सुरक्षा पे गिर जाती है, महिलाओं? तो बिल्कुल अनूप, जिस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसी को देखते हुए लखनऊ के आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में महिला मोर्चा का ये आयोजन किया जा रहा है और इसमें स्वतंत्र देव सिंह और समापन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। अनूप, हमारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े, आप खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। तस्वीर दिखा रहे लखनऊ से, जहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह कार्यक्रम चल रहा है। मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में बीते दिन संयुक्त किसान मोर्चा के महापंचायत की और इस महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत अन्य राज्यों के किसान इकट्ठा हुए। किसानों की ये इस महापंचायत ने न सिर्फ अपनी ताकत और शक्ति का प्रदर्शन किया बल्कि अपने कड़े तेवर भी दिखाए। किसानों की इस महापंचायत में 4 बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला, अभी हाल ही में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ
करनाल में 7 सितंबर को बड़ी महापंचायत बुलाई गई है, दूसरा कि 9 और 10 सितंबर को लखनऊ में किसान आंदोलन से जुड़ी बैठकें होगी, तीसरा 15 सितंबर को जयपुर में किसान संसद का आयोजन होगा और चौथा और सबसे बड़ा फैसला 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। किसानों ने इससे पहले 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया था, लेकिन कुछ कारणों से इस तारीख में फेरबदल हुआ है। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अब लड़ाई सिर्फ मिशन यूपी उत्तराखंड की नहीं बल्कि पूरे देश को बचाने की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि अब यूपी के प्रत्येक जिले में समितियां गठित होगी जिसके जरिए इस आंदोलन को हर जिले और हर गांव तक पहुंचाया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में एक आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत को लेकर विपक्षी नेताओं पर हमला किया है। सीएम योगी ने इस दौरान बिना किसी का नाम लिए कहा कि किसान नहीं उनके नाम पर दलाली करने वाले ही इस समय परेशान है। किसानों के लिए आजादी के बाद पहली बार सबसे ज्यादा काम हुए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरठ में प्रयागराज तक बनने वाली गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना को वाराणसी तक लाने का प्रयास भी हो रहा है। राकेश टिकैत के आरोपों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गन्ना किसानों का सबसे ज्यादा बकाया भुगतान हम लोगों ने किया। रमाला चीनी मिल बंद होने के कगार पर थी और हमारी सरकार ने नई लगवाई है, इस तरीके की बात सीएम ने कही है। सीएम ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि सपा और बसपा ने बंद चीनी मिलों को बेच दिया था, हम लोगों ने बंद चीनी मिलों को बचाने का काम किया है। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रही हैं। लखनऊ के मॉल एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय पर अनुप्रिया पटेल सोमवार से मंगलवार यानी कि आज और कल पार्टी की सभी राष्ट्रीय प्रदेश जिला अध्यक्ष और फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों संग अलग अलग समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री विधानसभा चुनाव 2022 के तहत आवश्यक दिशा निर्देश भी देगी। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश श्रीवास्तव का कहना है कि जनपदीय संगठनों की समीक्षा बैठक के दौरान कुछ जनपदों में खामियां भी पाई गई, इन जनपदों में श्रीमती पटेल कुछ सख्त कदम भी उठा सकती हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार की शाम चार्टर्ड प्लेन से सैफई हवाई पट्टी पहुंचे। अखिलेश ने सपा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। अखिलेश यादव की सैफई में अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के साथ मुलाकात की और चर्चा भी की। सपा के कार्यकर्ताओं में भी ये सुरबुगाहट है कि अखिलेश यादव की शिवपाल के साथ मीटिंग हो सकती है। बताया भी जा रहा है कि गैर जनपदों से भी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी को बुलाया गया। वहीं शिवपाल सिंह यादव जेल में बंद बाहुबली विधायक विजय मिश्रा और एमएलसी कमलेश पाठक से मुलाकात करने आगरा सेंट्रल पहुंचे हैं। बताया जा रहा कि इसी दौरान अखिलेश और शिवपाल की मुलाकात भी हो सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने यूपी में कांग्रेस के चेहरे को लेकर बड़ा बयान दिया। सलमान खुर्शीद ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2022 में प्रियंका गांधी ही कांग्रेस का चेहरा होगी। मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा, यह भी उन्होंने कहा है। साथ में यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शून्य से आगे ले जाना होगा। यूपी उत्तर प्रदेश में 15 से 20 सालों में कांग्रेस का वर्चस्व गिरा है। खुर्शीद ने चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन को सिरे से खारिज किया। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज में उथल पुथल मची हुई है, समाज राजनीतिक पार्टियों से क्या चाहता है उसको जानने के लिए कांग्रेसी जिलों में निकले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ रामपुर में सिविल लाइन्स थाने में देशद्रोह समेत कई अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल पूर्व राज्यपाल शनिवार की रात सपा सांसद आजम खान के आवास पर पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार की तुलना राक्षस और शैतान से की। इसके बाद विवाद बढ़ गया और उनके बयान को आधार बनाकर बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया। बता दें कि अजीज कुरैशी ने रामपुर पहुंचकर तंजीन फातिमा से मुलाकात भी की। इस दौरान आजम खान पर यूपी सरकार की ओर से कार्रवाई को लेकर शैतान और इंसान के बीच की लड़ाई करार दिया था। कल उत्तर प्रदेश के जो पूर्व राज्यपाल हैं अजीज कुरैशी ने रामपुर आए थे और आजम खान के घर न जाने क्यों वहां कर काफी देर बैठे थे। वहां से आने के बाद जिस तरीके की उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार पर अभद्र टिप्पणी की, उससे ये लगता है
कि अजीज कुरैशी उत्तर प्रदेश को तालिबान बनाना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके की किसी भी साजिश को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। उनकी जिस तरीके की टिप्पणी है वो निहायत ही घटिया बात उन्होंने बोली है, तो मैंने इस मामले में तहरीर सिविल लाइन थाने में तहरीर दी, इस पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस इसमें आगे की कार्रवाई करेगी। सपा विधायक और पूर्व मंत्री के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में रायबरेली के ऊंचा हार कोतवाली में केस दर्ज कराया गया। यह मामला शनिवार को इंटरनेट मीडिया में वायरल हुए एक वीडियो के आधार पर दर्ज किया गया। हालांकि विधायक ने प्रधानमंत्री पर किसी तरह की टिप्पणी करने के आरोप को साफ इंकार कर दिया। ऊंचा हार के पट्टी रहस्य कैथवल के शुक्रवार को स्थानीय विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने ग्रामीणों के साथ बैठक की थी। आरोप था कि इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, विधायक जी ने जनता को महामूर्ख भी कह डाला, जिसके बाद ऊंचा हार कोतवाली ने पुलिस शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। हम आपको भी सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। नटवर लाल है, एक नटवर लाल नामे रह गया था, इससे बड़ा कहो रोए, कहो गावे, कहो माता की कसम, मेरी मरी हुई लाश की कसम। और ये जनता कैठोर की महामूर्ख जनता, महामूर्ख मूर्ख मुंह पर कह रहे हैं, महामूर्ख जनता कही मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम, लाश की कसम, भाइयों बहनों। तो मोदी तो हम सपा विधायक की आपको बात सुना रहे थे, हालांकि हम पूरी बात आपको नहीं सुना सकते क्योंकि सपा विधायक ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, इसी वजह से हमें बीप भी देना पड़ा है। लेकिन किस तरीके से विधायक जो लोगों के मसीहा होते हैं वो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो आप इतने में ही समझ सकते हैं। आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा। प्रशासन ने करीब 1,00,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि लखनऊ में टीकाकरण दिवस का आयोजन किया जाएगा। जिले के 160 सत्र स्थलों के कुल 461 बूथों पर टीकाकरण किया जाएगा। हर बूथ पर लगभग 250 की संख्या पर टीकाकरण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की ओर से निर्धारित लक्ष्य 86,400 के सापेक्ष लखनऊ में लगभग 1,00,000 से अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी में सरकारी शिक्षकों की तरह ही प्राइवेट शिक्षकों को भी सुविधा मिलने जा रही है, जिसके बाद प्राइवेट शिक्षकों ने राहत की सांस ली। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने रविवार को शिक्षक दिवस के मौके पर यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन का भुगतान अब उनके बैंक खाते में कराया जाएगा। प्रबंध तंत्र की ओर से उन्हें कम वेतन दिए जाने की शिकायतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। दिनेश शर्मा ने कहा कि अक्सर ऐसी शिकायतें मिलती है कि इन विद्यालयों के शिक्षकों को कम वेतन दिया जाता है, खाते में वेतन भुगतान की व्यवस्था होने से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। ये सौभाग्य है कि हमने भारत भूमि में जन्म लिया है, और उससे ज्यादा सौभाग्य की बात यह है कि हमने एक शिक्षक के रूप में अपने कार्य को चुना है। शिक्षक समाज का दिशा परिवर्तक होता है, शिक्षक समाज के उन्नयन के लिए अपनी मेहनती जो भूमिका है उसका निर्वहन करता है। अब उत्तराखंड की खबर का रुख करते हैं। श्रीनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वागत में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया। चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने पौड़े जिले की घोषणाओं को झड़ी भी लगा दी है, बहुत सारी घोषणाएं की है। वही आज बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा अल्मोड़ा में निकाली जाएगी, जिसमें भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। इससे पहले भी सीएम मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि जनता की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा, जो समस्या जिस अधिकारी के स्तर पर है उसी स्तर पर हल किया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके लिए कहा जा सकता है कि आज की रैली में भी लोगों के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता अल्मोड़ा से योगेश जुड़े हुए हैं। योगेश, आज सीएम धामी अल्मोड़ा के दौरे पर रहेंगे, बहुत सारे कार्यक्रम भी रखे हुए हैं, लोकार्पण शिलान्यास की, और सबसे बड़ी बात है कि आज बीजेपी की रैली भी अल्मोड़ा में हो रही है।
देखिए साफ तौर से जहां तीन दिन कांग्रेस ने तराई से अपनी परिवर्तन यात्रा निकाली उसी के बहाने अब श्रीनगर से जो भाजपा ने जन आशीर्वाद रैली की शुरुआत की है वो जन आशीर्वाद रैली आज अल्मोड़ा में होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, सांसद अजय टमटा सहित पार्टी के सभी दिग्गज नेता वहां पे मौजूद शामिल होंगे और कहीं ना कहीं 2022 के लक्ष्य को फिर से प्राप्त करने की भाजपा की कोशिश है कि दोबारा मजबूती से सरकार बनाई जाए राज्य में, जिसको लेकर आज जन आशीर्वाद रैली है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के कई और सारे कार्यक्रम है अल्मोड़ा में, जिसमें कलेक्ट्रेट का आज उन्होंने उद्घाटन करना है। इसके अलावा कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री आज अल्मोड़ा में करेंगे। जी योगेश, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, कांग्रेस की बात करें तो परिवर्तन यात्रा चल रही है, कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है, बीजेपी को लोगों का किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, लोगों का क्या कहना है इस जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर? देखिए जहां कांग्रेस लगातार सरकार की खामियों को लेकर परिवर्तन यात्रा निकाल ली है, वहीं भाजपा जन आशीर्वाद रैली के सहारे अपनी केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की बात कर रही है। वहीं जनता भी उनकी योजनाओं को सुनने और समझने हर जन आशीर्वाद रैली में पहुंच रही है। वो अपनी सरकार की उपलब्धियां बचा रहे कि कैसे 4.5 साल का जो उत्तराखंड में भाजपा सरकार का कार्यकाल रहा है उसमें किस तरह की उपलब्धियां हैं, क्या क्या नए कार्य जनता के लिए किए गए हैं, वो सब इस उपलब्धि को अपनी जनता को समझाने में लगे हुए हैं। चाहे वो केंद्र हो राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने के लिए ही भाजपा जन आशीर्वाद रैली कर रही है। बिल्कुल योगेश, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी की एक और जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, तो वहीं कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा रविवार को पहले जसपुर और फिर काशीपुर पहुंची थी। यात्रा के दौरान कांग्रेसियों ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा, महंगाई, कृषि कानून, बेरोजगारी और किसानों की दुर्दशा का हवाला देते हुए भाजपा सरकार को फेल बताते हुए कांग्रेस को जिताने की अपील जनता से की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने काशीपुर को कांग्रेस का मायका बताते हुए भावात्मक रिश्ता जोड़ने का प्रयास किया। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा 3 घंटे देरी से जीबी पंत इंटर कॉलेज पहुंची। लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा का स्वागत किया। वहीं आज कांग्रेस की परिवर्तन रैली रुद्रपुर में होने के साथ ये आगे बढ़ेगी और इस यात्रा में कांग्रेस के कई दिग्गज भी शामिल होंगे। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा रविवार को रामनगर पहुंची। इस दौरान कांग्रेस के ही दो गुटों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इन दोनों ही गुटों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की देखने को मिली। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा रामनगर विधानसभा में एंट्री करते ही रामनगर के दापका पुल के पास कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत ने यात्रा का स्वागत किया। उसके बाद परिवर्तन यात्रा रणजीत रावत के समर्थकों के साथ रामनगर की तरफ बढ़ी और दूसरी ओर रामनगर के नए बाईपास पुल पर हरीश रावत के समर्थक कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का स्वागत करने के लिए खड़े थे। जब यात्रा रामनगर के नए बाईपास पुल के पास पहुंची तो माहौल गर्म हो गया। रणजीत सिंह रावत और दूसरे गुटों के बीच आक्रामकता का माहौल बन गया और एक दूसरे पर जमकर नारेबाजी हुई और धक्का मुक्की का वीडियो और तस्वीर भी सामने आई। आज परिवर्तन यात्रा रामनगर में पहुंची और आप जानते हैं कि जब लोग टिकट चाहते हैं तो अपनी पूरी ताकत के साथ ऐसी यात्राओं में प्रतिभाग करने का काम करते हैं और कई बार जो समर्थक होते हैं वो अति उत्साह में जो है उत्साहित होकर के इस तरह की छोटी मोटी घटना घटित हो जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का एक एक साथी पूरी तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के प्रति समर्पित है और चाहता है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार बने और हम सोनिया जी और राहुल जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र चौधरी हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे। बता दें कि रविवार को रामपुर रोड स्थित एक रिजॉर्ट में पत्रकार वार्ता में चौधरी ने कहा कि सपा के उम्मीदवारों का चयन पार्टी मुखिया अखिलेश यादव खुद करेंगे। उन्होंने कहा कि 30 साल बाद भी उत्तराखंड में जनता की उम्मीदें पूरी नहीं हो गई। भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों दलों की सरकारों ने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार के कार्यकाल में युवा किसान समाज का हर वर्ग परेशान है, जमीनी विकास नजर नहीं आया। चौधरी ने कहा कि यूपी में सपा ने सुशासन देकर दिखाया है, 2022 में वहां फिर सरकार बनेगी, साथ ही उत्तराखंड में भी सपा सरकार बनाने की तैयारी में है।
आम लोगों और व्यापारियों की मांग पर उत्तराखंड में टनकपुर सीमा से भारत नेपाल के बीच शर्तों के साथ आवाजाही बहाल कर दी गई, पर समस्या ये है कि अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने सीमा पर कोरोना जांच टीम तैनात नहीं की। इस वजह से रविवार से आवाजाही सुचारू रूप से नहीं हो सकी। कोरोना संक्रमण की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण होने के बाद अब भारत नेपाल के बीच धीरे धीरे आवाजाही की अनुमति मिलने लगी है। मनबसा सीमा के रास्ते पहले ही आवाजाही खोल दी गई थी। अब व्यापारियों की मांग पर प्रशासन और SSB ने आवाजाही की अनुमति दे दी है। सीमा पर स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम तैनात रहेगी। SDM हिमांशु ने CMS को टीम गठित कर टनकपुर सीमा पर तैनात करने के आदेश दिए हैं। किसानों की राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई। किसानों का हुजूम उमड़ा। किसान इस महापंचायत में सरकार को अपनी ताकत और तेवर दोनों दिखाए। वही वजह है कि किसानों की ये लड़ाई अब चुनावी सरगर्मियों के बीच उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत के ये तेवर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों की लड़ाई अब उत्तर प्रदेश में करवट ले रही है। और इस बार ऐलान है आर पार की जंग का, ऐलान है भारत बंद का। किसानों की महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए देश के हर राज्य से किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाला जत्था मुजफ्फरनगर पहुँचा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के साथ देश के तमाम हिस्सों से भी किसान इस महापंचायत में शामिल हुए थे। मुजफ्फरनगर के GIC मैदान में बुलाई गई इस महापंचायत में किसानों का हुजूम देखने को मिल रहा था। किसान कह रहे हैं कि सरकार अब कुछ भी कर ले, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया है कि इस महापंचायत में 300 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हुए थे। किसानों की एक ही आवाज है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसानों की घर वापसी नहीं होगी। किसान नेता राकेश टिकैर घोषणा कर चुके हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होगा, तब तक घर वापसी भी नहीं होगी। किसानों की महापंचायत में सुबह से ही किसानों का सैलाब देखने को मिल रहा था। किसान किसी भी शर्त पर पीछे हटने को तैयार नहीं है, और एक बार फिर किसानों ने भारत बंद की घोषणा की है। किसान आगामी 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान करेंगे। इस भारत बंद से किसान एक बार फिर अपना दमखम दिखाएंगे। किसानों की इस महापंचायत को कई राजनीतिक पार्टियों ने अपना समर्थन दिया। यही वजह है कि महापंचायत पर BJP की भी नजर थी, क्योंकि पिछले चुनाव में पश्चिमी UP वो इलाका रहा था जिसने BJP की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। किसान केंद्र सरकार के नए तीनों कानूनों के खिलाफ पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली के सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान और सरकार के बीच 11 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। किसान चाहते हैं कि सरकार तीनों कानूनों को रद्द करे और MSP पर गारंटी का कानून लेकर आए, लेकिन सरकार का कहना है कि वो कानूनों को वापस नहीं ले सकते। अगर किसान चाहते हैं तो उनके हिसाब से इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। ऐसे में सरकार और किसानों की लड़ाई देश में राजनीति की धुरी बन गई है, और किसान ये जानते हैं कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है। इसीलिए किसान अब उत्तर प्रदेश के मिशन पर हैं। किसान उत्तर प्रदेश में BJP के खिलाफ माहौल बनाना चालू कर दिए हैं और अपना दमखम दिखाकर UP में बड़ा उलटफेर करना चाहते हैं। यही वजह है कि किसानों की राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर में किसान सरकार को अपनी ताकत और तेवर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक किसान के कानून वापस नहीं होंगे, हम नहीं रुकेंगे। जनता TV न्यूज डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट।